नहीं, अच्छा सॉरी ये इसमें ऑडिट का वर्ड भी लिखा हुआ है ना, किधर गया मेरे वाला ये, अच्छा आपको रजिस्ट्रेशन, मैंने कंप्लाइंसेस के वर्ड को थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल किया, आपको बिल्कुल बेसिक से उसको समझाने की और बल्कि समझाने की कि आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की, आप लोग मुझसे ज्यादा समझ पा रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है, उसको शेयर करने की कोशिश की है कि आप कैसे खुद को मार्केट में ला सकते हैं, आप कैसे बिजनेस को अपने आप को एज अ बिजनेसमैन लीगली किस परस्पेक्टिव में ला सकते हैं। मैंने आपसे वो शेयर किया कि लीगली आप दो दो तरीके मौजूद है आपके पास। हाँ, अगर आप कहें नहीं जी मैंने पब्लिक कंपनी के लिए जाना है, मैंने मार्केट से कैपिटल इकट्ठा करना है, आपकी चॉइस है, आप अपने बिजनेस को इतना बड़ा करें, आप अपने बिजनेस को इतना बड़ा करें कि कल को आपके बिजनेस की मार्केट फर्क ये हो कि लोग उस बिजनेस में हिस्सादार बनना चाहें। हिस्सादार तो तभी, अब मैं एक छोटा सा यहां सबसे सवाल है, या सवाल आना कि आपकी तरफ से आना चाहिए था, लेकिन चले मैं ये सवाल भी कर रहा हूं कि अगर मैं कहूं जी मेरा बिजनेस है, आए मेरे बिजनेस में हिस्सेदार बन जाइए, आप क्यों बनेंगे? आपको फायदा होगा तो आप बनेंगे ना, आपको प्रॉफिट होगा तो आप बनेंगे, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप मेरे बिजनेस में शराकतदारी क्यों चाहेंगे, पार्टनरशिप क्यों चाहेंगे, क्यों हिस्सा बनना चाहेंगे उसका, हम कभी भी नहीं बनना चाहिए, हम क्यों लॉस बर्दाश्त करें, आप खुद ही करें। या दूसरा सवाल, अगर मेरा बिजनेस है एक चलिए बिजनेस प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस है, प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो ही रहा है तो आप हमें पार्टनर क्यों बनाए? जी मैं बताता हूँ आपको, वो भी बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आपका, मैं ये नोट कर रहा हूँ आपको पॉइंट, ये अभी हम बताते हैं इस पे आगे, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सपोज मुझे 10 रुपए बच रहे हैं, एक बिजनेस को 20 रुपए बच रहे हैं, किसका हिस्सा बनना चाहेंगे आप? 20। अब मैं सवाल के अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं क्यों चाहूंगा कि मैं आपको अपने हिस्सेदार बनाऊं, मैं चाहूंगा मैं आपको बनाऊं, अगर मुझे 10 रुपए बच रहे हैं तो मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे 50 रुपए बचे, बिजनेस एक्सपेंड करने की, मुझे कैपिटल चाहिए, मेरे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं मार्केट में लोगों को कहता हूं लो मेरी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ये देखो प्रॉफिट जनरेटिंग इंस्टीट्यूट है, प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है, आओ इसकी हिस्सेदारी ले लो, मुझे बदले में क्या दे दो, वो कहेंगे बदले में क्या चाहिए, बदले में मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे दो, ये लिस्टेड कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ये लिस्टेड कंपनी का कॉन्सेप्ट है कि लिस्टेड कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, ट्रेडिंग इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड वो माशाल्लाह उस वाले से आपको अली भाई हमारे एडर सेल्स है बहुत अच्छा, उस वाले से आपको ब्रीफ भी कर रहे होंगे, चीजें बता भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक उसके पीछे लॉजिकल बात इन लीगली और पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहा हूं कि आखिर हम ये करते क्यों है, आप उसको उठा सकते, आप कहेंगे मैं कहूं मेरा दिल ही चाहेगा कि मैं अगर 10 रुपए बचा रहा हूं तो मैं 50 रुपए बचाऊं, अगर मेरा दिल चाहेगा 50 रुपए बचाऊं तो 50 रुपए के लिए मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी, सपोज मैं मैन्युफैक्चरिंग कर जाऊं, मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मुझे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, व्हेन आई हैव टू गो फॉर द एनहांसमेंट ऑफ माय मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और द प्रोडक्शन कैपेसिटी, देन आई नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेने के लिए मेरे पास बेहतरीन तरीका क्या है, मैं बैंक के पास जा सकता हूँ मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे दो, मैं किसी इन्वेस्टमेंट के पास जा सकता हूँ मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे दो, मैं जनरल पब्लिक के पास आ सकता हूँ मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जनरल पब्लिक का क्या फायदा है, ये दुनिया अदले का बदला है, ठीक है, आप एक छोटी सी मिसाल देता हूँ सिर्फ यहाँ पर बात को समझने के लिए, बाकी आप इसमें माशाल्लाह बेहतर समझते हैं, हम किसी की इज्जत क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारी इज्जत करते हैं, हम किसी को पैसा क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें बदले में पैसा मिलेगा, तो हम इंसान क्योंकि जब इतने तक लालची है तो हम यही करेंगे कि हम जाएंगे, जाना चाहिए, अगर लीगल और वे है आपको अपनी इनकम जनरेट करने का तो क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके पीछे आप, ये एक लॉजिक है और लीगली उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, लीगली उसके कानून भरे पड़े हैं, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स कानूनी तौर पर पूरी करते जाएंगे, आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसमें आप सागर है, जब आप इतने बड़े माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे सब लोग इस मंजिल पर पहुंचे जितने भी यहां बैठे, आप जब एज एन एंटरप्रेन्योर जाके काम कर रहे होंगे
एंटरप्रेन्योर के तौर पर काम कर रहे होंगे, देन यू विल हैव योर ओन पर्सनल टीम हु विल बी डीलिंग योर लीगल मैटर्स, अकाउंट्स मैटर्स, फाइनेंस मैटर्स, ठीक है, तो आप भी सभी डील करना है, वो बैठे होंगे, वो आके बैठेंगे, आपको डील करके देंगे। बट एक बिजनेसमैन के लिए ये जानना जो जरूरी है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, जब तक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ये बिजनेस किस तरह चलता है, कि बिजनेस किस तरह चलेगा, या इस बिजनेस के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि लीगल डिपार्टमेंट मेरे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, तो फिर आप उसको डेवलप क्यों करेंगे। फिर आप एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने साथ साथ अपने डिपार्टमेंट्स को भी डेवलप करता है, ठीक है, अपने बिजनेस के साथ साथ, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट स्ट्रांग होंगे तो उसका बिजनेस उतना ही ज्यादा मजबूत हाथों में होगा। सो दिस इज अ बेसिकली टोटल कॉन्सेप्ट। इसमें कोई मैंने तो कोशिश यही की है कि मैं उस मौजू पर ही बात करूं, उस हवा मौजू तो चले जितना भी वसी हो, कोशिश ये की है कि मैं इतनी उस हद तक ही मैं दूर रखूं खुद को कि जिसमें आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल हो सके, सुनने में कुछ फायदा हो सके। इसमें मजीद आप लोगों की तरफ से कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो मैं जल्दी आ रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, आप पूछ सकते हैं। किसी के पास बिजनेस प्लान लेकिन कैपिटल ना हो तो क्या नहीं तो क्या करना चाहिए? देखें पाकिस्तान जैसे मुमालिक में ना, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान नहीं सिर्फ पाकिस्तान जैसे कबड्डी, क्योंकि पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं है, हम सब यहाँ हैं, हम सब यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई भी मुल्क अफराद से होता है, अफराद अच्छे हो तो मुल्क भी अच्छा होता है, ठीक है। तरक्की याफ्ता मुमालिक में ये बहुत बड़ा अलग है, हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी होती है, ठीक है, हमारे पास आइडियाज होते हैं, सॉरी हमारे पास आइडियाज होते हैं, ठीक है, हम क्रिएटिव लोग होते हैं। आप बताएं कि आप क्रिएटिव नहीं है, पाकिस्तानी क्रिएटिव नहीं है, कहें आप नहीं है। मैं अभी आपको फेसबुक और ट्विटर और इंस्टा खोल के दिखाता हूं, देखना जरा क्रिएटिव। हाँ क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी कुड बी नेगेटिव, क्रिएटिविटी कुड बी नेगेटिव। मैंने कब कहा कि क्रिएटिविटी पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है? मैंने तो नहीं कहा कि पाकिस्तानियों की पॉजिटिव है, कुछ लोग अच्छा कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव भी ले रहे हैं। तो बेसिकली हमारे जितनी भी डेवलपिंग नेशन होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, इनका ये अभिनय रहा है कि इनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी होती है। देखें, टू रीच द डेस्टिनेशन दैट यू हैव इमेजिन इन योर इमेजिनेशन, आपको उसको प्लान लाना है, वो किधर है, प्लान लाना है, आप किस तरह वहां तक पहुंचे, ठीक है। आप इन सर्च ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैठे रहे मार्केट में, मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई दे, मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई दे, कोई क्यों दे? ये पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग कंट्री है, मैं क्यों दूंगा आपको, आप मुझे बता दें। जब तक आप कुछ प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाएंगे, देखिए आइडिया सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, हो सकता है असलाम तैयार आपसे मुखातिब है, असलाम तैयार की बातें सुनने में बहुत अच्छी हो, ठीक है, हो सकता है अच्छी हो, मुझे यकीन नहीं है कि अच्छी है, हो सकता है अच्छी हो, ठीक है। अगर अच्छी है तो प्रैक्टिकली है, ठीक है, तो प्रैक्टिकली है, समझ में आ बात। देखिए किसी को अपने आइडिया पर, अपने क्रिएटिव आइडिया पर कन्विंस करने के लिए आपने खुद क्या कोशिश की, आपने अपने आइडिया के ऊपर क्या कोशिश की है, पहले ये तय करना जरूरी। प्लानिंग समझ में ना बात, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने प्रैक्टिकली कितनी एफर्ट की है। सपोज मैं अगर कहूं कि कि ये मैकडॉनल्ड्स की मिसाल नहीं है, केएफसी की नहीं, किस वर्दी की नहीं, अरे भाई हम जिस वर्दी की कहें हम किसी भी ले लेते हैं, हम केएफसी की एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल ले लेते हैं, केएफसी जो आपको पसंद है। आपको क्या लगता है कि पहले दिन दुनिया में उसकी सारी इतनी ब्रांचेस थी कितनी आ रही है? चलिए बहुत बड़ा ब्रांड था, इंटरनेशनल ब्रांड था, चलिए लोकली किसी ब्रांड पर आते हैं, जो बड़ा बाद में हिट हो गया सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। क्या आपको लगता है कि उसकी इतनी ब्रांचेस थी जितनी आपने पूरे पूरे पाकिस्तान में फैल गया भाई? मजीद आसान एक बेकरी बड़ी मशहूर हुई जलालसंस गोरमे, बट जो भी केक्स एंड बेक्स, जो भी बेकरियां हैं, जितनी भी है, कैसे निकली आइडियाज, कैसे प्रोसीड हुए? आइडिया तो प्रोसीड किया ना आपने,
आपका कमाल ये है कि मैं जो खुशी की बात आपके लिए होनी चाहिए कि आइडिया को प्रोसीव किया ना, लेकिन आपके आइडिया पर किसी दूसरे के यकीन करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा उसके यकीन करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आइडिया के ऊपर खुद यकीन करें। आइडिया परसीव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइडिया परसीव करने के साथ प्रैक्टिकलिटी है ये उससे ज्यादा है। आपने खुद कितनी अमली तौर पर कोशिश की है पहले ये साबित करें, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर उसके लिए आपको स्ट्रगल करें, वी ऑल हैव अ हिस्ट्री बिहाइंड अस ना, कि इस तरह अली भाई की एक हिस्ट्री होगी, मेरी एक हिस्ट्री होगी, हम सब लोग बैठे हुए लोगों की कोई हिस्ट्री होगी कि हम यहाँ तक कैसे 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 बैठे, आज हम इधर बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं, मैं इधर बैठ रहा हूँ, उमेर इधर बैठे हैं, वशर इधर बैठे हैं, अली भाई इधर बैठे हैं, कैसे इधर बैठे हैं, कैसे यहाँ तक आए। तो वो जो कैसे यहां तक आना है ना, असल दरहकीकत वही कहानी है। आप अपने आइडिया को प्रैक्टिकली जब तक नहीं खुद करेंगे तब तक कोई भी इन्वेस्टर आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा। जब आप खुद कर लेंगे ना एक बार कोशिश, कोई बात नहीं, नाकाम हो जाएंगे ना, कोई मसला नहीं, आप खुद कर लेंगे उसके बाद आप देख लीजिए आप कोई भी यकीन कर लेंगे। कोई भी एक ऐसा अपने, और दूसरी एक अहम बात यह है कि आइडिया को ख्याल में मत रखें, ठीक है? हम इंसान हैं, हमारे साथ देखिए मेरे सामने जब तक ये चीज प्रिंट हुई भी नहीं आई ना, मुझे नहीं क्लियर हुई कि करना क्या है। हालांकि जो लिखा था उसके मेरे ख्याल में मैं काफी हट के कर गया हूँ, लेकिन जो लिखा हुआ है आइडिया आपने रिसीव किया, थिंक आई कैन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो सोचता है एंटरप्रेन्योर की, ठीक है? एंटरप्रेन्योर ने एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना है, पहले सोचे एंटरप्रेन्योर, ठीक है? उसके बाद आइडिया को इस पर लें, इस पर ला के उसको प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें। मजीद अगर कोई आप अगर आपकी बात मजीद चाहिए और कोई मजीद सवाल किसी को है तो जी बनाई जा सकती है। अनलिमिटेड और लिमिटेड का कॉन्सेप्ट होता है लाइबिलिटी की बेस पर। लिमिटेड क्या मतलब, लिमिटेड किस सेंस में, लिमिटेड में शेयर लिया ना कि वो अपना लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड हो जाती है उस हद तक ही, कैपिटल जितना उसने कमिट किया। अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट जरूर कानून में मौजूद है और अनलिमिटेड की कंपनीज भी दुनिया में मौजूद है, दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में आपको इसलिए मिलती है, अमेरिकन इंडस्ट्री। मैं अपने बिजनेस को देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में होता क्या है कि जो मार्केट में इन्वेस्टर बैठा है उसका ट्रस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है ना, वो कहता है लो जी कल मेरा पैसा तो डूबेगा ही नहीं, ठीक है, कल को कोई मसला नहीं होगा, मैं डायरेक्टर को जाके पकड़ूंगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी है, मेरी लाइबिलिटी सेटल करो, तुम पे करोगे, तुमका वर्ड यूज किया सॉरी, ठीक है, तुम पे करोगे, रफ लैंग्वेज में हो जाता है, तुम पे करोगे, ठीक है। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है उन मार्केट्स में, उन इकोनॉमी में जो सस्टेन कर सकती हैं। आपको अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट मिलता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी है, क्यों? अब गूगल को आप कहें जाके, माइक्रोसॉफ्ट को कहें कि जी हमें आप पर ट्रस्ट नहीं है, क्या बनती है बात, बनती ना, आप फॉलो कर रहे ये चीज। अब वो क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट वहां जाके इसलिए करता है। पाकिस्तान में इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को काउंटर करने के लिए इन्होंने एलएलपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोला गया। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था ना कि इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, फिर एससीसीपी ने स्टेप इन किया, जो कि दुनिया में पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद था, वहां पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेप इन किया और उसने फिर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको एलएलपी बोला गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर हमें फिर मौका मिला तो उस पर डिटेल में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा अभी आप सबको। तो वो एक कॉन्सेप्ट इस हवाले से पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में इस अलमी इस एक जो एक फ्लॉ है इसको काउंटर करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था ऐसे से। मजीद कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, ठीक है जी? ठीक है जी, थैंक यू जी।